त्रिपाठी स्वतंत्र प्रहार मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ युवा अभियंता आए हुए हैं हमारे पास, जो आपको वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की चल रही है तथा हम उनके मन में क्या चल रहा है, वर्तमान राजनीति व्यवस्था के बारे में क्या चल रही है, इन सब विषयों से आज हमें वो अवगत कराएंगे। हमारे साथ आपका क्या नाम है? अभिषेक। आपने इंजीनियरिंग कब की? 2015 में पास आउट। 2015। कहाँ से किया थे आपने इंजीनियरिंग? मैं आगरा से किया था। आगरा से? अच्छा, तो आपने प्राइवेट कॉलेज किया था, सरकारी कॉलेज? प्राइवेट कॉलेज में आपको कैसा रिस्पांस मिला, पढ़ाई लिखाई कैसी थी वहाँ की, प्रैक्टिकल की व्यवस्थाएँ कैसी थी, आप बता सकते हैं कुछ? हाँ जी, कुछ कॉलेज ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेज में, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सरकारी से भी अच्छे हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि उनके बारे में ना ही पूछा जाए। आप अपने कॉलेज के विषय में बताइए, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी थी? बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब क्या खामियाँ थी वहाँ पे जो जिससे आप असंतुष्ट हो गए? बस आप ये समझिए कि वहाँ पे जैसे कि आप पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल एक बिजनेस के देखा जाएगा, बिल्कुल बिजनेस ही था। जैसे कि मैं मेरा ट्रेड था मैकेनिकल। अच्छा। मैकेनिकल के वहाँ भी एक भी मशीन अवेलेबल नहीं थी, और जब बंदे के पास वहाँ पे कॉलेज में मशीन नहीं अवेलेबल होगी तो वो बंदा क्या सीखे, क्या स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा? प्रैक्टिकली नॉलेज से हम लोग कुछ सीख पाते हैं, उसमें थ्योरी रटी रटाई रहती है, वही सब पढ़ के जाते हैं, पास होते हैं। आपके कहने का मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो केवल किसी तरह मान्यता लेकर और स्कूल खोल दिए हैं 4-5-10 कमरों में, और उसके बाद थ्योरी के आधार पर किसी तरह रट्टा मार के इंजीनियर बना रहे हैं। जिस तरह प्रैक्टिकली इंजीनियर होना चाहिए, वेल एक्सपर्ट, उस तरह के आप इंजीनियर नहीं बन पाए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये कॉलेज और क्या कमियां कॉलेज में आपको मिली जिससे आप असंतुष्ट थे? ये कॉलेज अधिकतर जो भी कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBBS कॉलेज, जो भी कॉलेज होते हैं, ये सब राजनेताओं के, मोस्टली आप देखेंगे राजनेताओं की। अब अगर इनका सर्वेक्षण पूरे निकालेंगे तो 100 कॉलेज में से कम से कम आपको 70-80 कॉलेज जिनको होंगे विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्हीं के कॉलेज होंगे। तो उनके कॉलेज में ऐसी होता है, ऐसी मान्यता ले लेते हैं दो दो कमरे में, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं सही से। हम लोग भी बिना देखे एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में जाते हैं पता चलता है कि फंस जाते हैं। आपके कहने का मतलब है बड़े बड़े राजनेता लोग अपने सोर्स पारस से मान्यताएं ले लेते हैं और कॉलेज चलाते हैं, और उस पर प्रशासन का कोई जोर नहीं चलता, और अपनी तरह शिक्षा व्यवस्था रखते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर आप एक बार फंस गए तो समझे मुर्गी की तरह फंस गए, या तो आपको पढ़ के किसी तरह निकलना ही है, या तो आप बीच से छोड़ के जाइए। हाँ, बीच छोड़ जाएंगे तो आपका साल भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, 2-3 लाख रुपए फीस लगती है, हॉस्टल का अलग से, फाइन अलग से। अच्छा अच्छा, यानी कुल मिला के वो शिक्षा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए संस्थान चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए वर्तमान सरकार से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे ताकि ये इन व्यवस्थाओं पे रोक लग सके? वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी कोई भी सरकार के किसी भी कॉलेज की मान्यता वो देते हैं, तो पहले उसको ठीक से उसका सर्वेक्षण कर ले कि उसमें सब कुछ है कि नहीं, मशीन अवेलेबल है कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं तो वहाँ भी उसकी मशीन सब कुछ है कि नहीं, तब उसको मान्यता जाए, प्रॉपर उसका सब कुछ है कि नहीं। आपके कहने का मतलब पहले सरकार पूरी तरह परीक्षण कर ले, उसके बाद मान्यता आएगी, ऐसा नहीं कि मान्यता दे दे रहे कागज पे और उसके बाद स्कूल को चेक न किया जाए, आने वाले इंजीनियर जो हमारे बन रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। आपका कहने का मतलब यही है? और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो उसके पहले उसको एक बार खुद से जाके स्वयं देख लेना चाहिए, ताकि ये भविष्य में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए सलाह दे रहे हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। अगर वो खुद से देखे रहेंगे तो उनको पता चल सकेगा क्या नाम है कि हम सही कॉलेज ले रहे हैं, गलत कॉलेज ले रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पढ़ लिख के अच्छी से अच्छी रैंक पाए, ताकि AI IIT थ्रू BTEC करे, UPTU के जितने भी कॉलेज हैं, UP के अधीन में सब ऐसे कॉलेज, 1000 तो इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल खुल गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल के बैठे कंपनियां नहीं है, हर घर में एक इंजीनियर आपको मिल जाएगा आजकल। मतलब एक व्यवसाय सा हो गया है, ये शिक्षा के विस्तार का कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ कमाने खाने का धंधा है। वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा सुझाव देना चाहते हैं कि आप किसी भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज किसी फील्ड में जा रहे हैं, पहले प्रॉपरली उसके इंक्वायरी कर लें, तब उस फील्ड में जाएं। ऐसा ना हो कि आज जैसे अभिषेक जी हमारे साथ हैं और मन में उनके पश्चाताप हो रहा है, आपको भी ना पछताना पड़े। इसलिए आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाने से पहले वेल अलर्ट रहें, और पहले खूब अच्छे से समझ बूझ लें, तब इस फील्ड में कदम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका। मैं स्वतंत्र प्रहार मीडिया से आनंद त्रिपाठी फिर आपसे मुलाकात करूँगा, और फिर किसी विषय शिक्षा से जुड़ा या किसी और फील्ड से जुड़े विषय से आपको अवगत कराऊंगा, तथा उसकी बारीकियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।